दोस्तों, यह है फाइलम सीलेंट्रेटा का लेक्चर नंबर 6। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कंपैरिजन ऑफ पॉलिप एंड मेडुसा, मतलब पॉलिप और मेडुसा के बीच हम तुलना करवाएंगे, जिसमें हम आपको ये भी बताएंगे कि पॉलिप और मेडुसा के बीच क्या सिमिलारिटीज यानी समानताएं होती हैं और पॉलिप और मेडुसा के बीच क्या डिससिमिलारिटीज यानी क्या विभिन्नताएं होती हैं। ये दोनों चीज़ें हम आपको बताएंगे, फिगर के हिसाब से हम आपको समझा करके सारी चीज़ें डिटेल में बता देंगे। बाकी पॉलिप और मेडुसा के बीच अंतर तो आप मॉर्फोलॉजी वाले वीडियो से समझ गए होंगे अगर देखे होंगे तो, और अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। इसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे आप एग्जाम में अरेंज कर सकेंगे एक सूटेबल तरीके से, कैसे आप एग्जाम में दिखा सकेंगे। तो अगर एग्जाम में कंपैरिजन करने के लिए कहेगा तो आप पहले सिमिलारिटीज दिखा देंगे, फिर डिससिमिलारिटीज दिखा देंगे, और अगर पूछेगा कि पॉलिप और मेडुसा के बीच अंतर दिखाइए, दोनों में क्या डिफरेंस है, तो आप केवल यही दिखा दीजिएगा, डिससिमिलारिटीज। इसका मतलब अंतर होता है, यानी कि दोनों में क्या विभिन्नता होती है। तो चलिए हम समझ लेते हैं सबसे पहले इसमें सिमिलारिटीज क्या होती है। तो अगर एग्जाम में पूछेगा पॉलिप और मेडुसा का कंपैरिजन कराइए, तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल देंगे कंपैरिजन ऑफ पॉलिप एंड मेडुसा, और उसमें हेडिंग डाल देंगे सिमिलारिटीज, और ये 5 पॉइंट दिखाने के बाद तब फिर हेडिंग डालेंगे डिससिमिलारिटीज, और लास्ट में आप फिगर बना देंगे, आसान आसान इस तरह का फिगर बना देंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं, पहला पॉइंट क्या है, माउथ एंड मैनुब्रियम आर होमोलोगस, यानी कि मेडुसा के अंदर जो माउथ और मैनुब्रियम पाया जा रहा है, ये देखिए माउथ है और ये मैनुब्रियम है, तो उसी तरह से यहाँ पर आप देख रहे हैं पॉलिप के अंदर भी ये माउथ है और ये मैनुब्रियम है, तो मेडुसा का माउथ मैनुब्रियम और पॉलिप का माउथ मैनुब्रियम दोनों होमोलोगस है, यानी दोनों की उत्पत्ति एक जैसी हुई है और दोनों का काम भी समान है। माउथ का काम है भोजन को निगलना और उसी तरह से इसके भी माउथ का काम है, तो आप माउथ और मैनुब्रियम समझ गए, यानी कि दोनों का माउथ और मैनुब्रियम एकदम सेम होता है। दूसरा पॉइंट है, बोथ आर रेडियली सिमेट्रिकल, यानी कि जो मेडुसा है और पॉलिप है दोनों रेडियली सिमेट्रिकल है, मतलब त्रिज्या सममित है। रेडियली सिमेट्रिकल या फिर त्रिज्या सममित का मतलब ये है कि इसके सेंटर से होते हुए या इसके एक्सिस से होते हुए आप किसी भी प्लेन से अगर इसे काटेंगे तो यह दो भाग में बट जाएगा। अगर यहाँ से काटेंगे तो भी एक इधर बट जाएगा, एक इधर, यहाँ से काटेंगे तो एक इधर और एक इधर, यहाँ से काटेंगे तो एक इधर और एक इधर, उसी तरह से यह भी बिल्कुल सेम है। तो दोनों के अंदर रेडियल सिमेट्री होती है, मतलब त्रिज्या सममित होती है। तीसरा पॉइंट है, बोथ हैव गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, मतलब मेडुसा के भी अंदर और पॉलिप के भी अंदर गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी पाई जाती है। गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी का मतलब एक कैविटी इसके अंदर, ये देखिए पूरा पाई जा रही है, और इसके अंदर भी कैविटी है। गैस्ट्रोवैस्कुलर का मतलब यह कैविटी गैस्ट्रो मतलब पचाने का भी काम करती है, यानी कि भोजन से संबंधित काम करती है, और वैस्कुलर का मतलब सर्कुलेशन का भी काम करती है, तो दोनों के अंदर गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी पाई जाती है। अगला है, इन बोथ यानी दोनों में नो अदर होल एक्सेप्ट माउथ, मतलब माउथ के अलावा अदर होल या दूसरा अन्य कोई पोर नहीं होता है। कहने का मतलब यह है कि दोनों के अंदर सिर्फ माउथ ही पाया जाता है, एनस नाम की चीज दोनों के अंदर नहीं है। तो यह समानता है कि नहीं है, यह समानता है। बाकी अगली समानता क्या है, तो गैस्ट्रोवैस्कुलर लाइनिंग ऑफ बोथ एंडोडर्मल, यानी कि जो गैस्ट्रोवैस्कुलर लाइनिंग होती है दोनों के अंदर, गैस्ट्रोवैस्कुलर लाइनिंग वह एंडोडर्मल होती है, यानी कि एंडोडर्म की बनी होती है। तो पहली समानता क्या थी कि दोनों का माउथ मैनुब्रियम होमोलोगस है, दोनों रेडियल सिमेट्री के हैं, और दोनों में गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी पाई जाती है, और दोनों में माउथ के अलावा कोई अन्य होल या कोई अन्य छिद्र नहीं पाया जाता है, और दोनों की जो गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी होती है वह एंडोडर्मल होती है, उसकी लाइनिंग एंडोडर्मल होती है। तो समानता क्या होती है ये समझ गए आप लोग। अब चलिए हम इसमें डिससिमिलारिटीज देखते हैं। तो डिससिमिलारिटीज में पहला क्या है, मेडुसा इज प्लेट शेप्ड एंड पॉलिप इज इलांगेटेड। तो आप चित्र के हिसाब से ही देखकर समझ जाएंगे कि मेडुसा प्लेट की तरह से दिख रहा है और पॉलिप जो है इलांगेटेड है, क्लियर हो गया, यानी कि लंबा है।
दूसरा अंतर क्या है, वेलम प्रेजेंट इन मेडुसा एंड अब्सेंट इन माउथ। ये देखिए जो ये सबसे बाहर की जो लाइनिंग दिख रही, बाहर की जो ट्यूब एक तरह से दिख रही है, ये क्या है, वेलम है। यहाँ पर लिखा गया है, ये देखिए क्या है, वेलम है, जो केवल मेडुसा में ही पाई जाती है और पॉलिप के अंदर वेलम नाम की कोई चीज नहीं है, यानी कि वेलम पॉलिप के अंदर नहीं पाया जाता है, अब्सेंट इन पॉलिप। और तीसरी भिन्नता क्या है, ये देखिए तो फोर रेडियल कैनाल प्रेजेंट इन मेडुसा, यानी मेडुसा के अंदर चार रेडियल कैनाल है, देखिए 1 2 3 4, ये चारों रेडियल कैनाल है जो मेडुसा के अंदर पाई जा रही है, एंड अब्सेंट इन पॉलिप, जो पॉलिप के अंदर रेडियल कैनाल अब्सेंट है, पॉलिप के अंदर रेडियल कैनाल नहीं पाई जा रही है। इसके बाद है सर्कुलर कैनाल प्रेजेंट इन मेडुसा एंड अब्सेंट इन पॉलिप, ये जो सर्कुलर कैनाल है ये तो रेडियल कैनाल थी, त्रिज्या की तरह से, रेडियस मीन्स क्या होता है त्रिज्या, तो ये रेडियल कैनाल है, इसकी बात तो हो चुकी। अब इसके बाहर देखिए जो एक कैनाल दिख रही है, इसको कहेंगे सर्कुलर कैनाल या फिर रिंग कैनाल। यह कैनाल केवल मेडुसा में ही पाई जा रही है, पॉलिप के अंदर भी यह कैनाल नहीं है, यानी बहुत सारी स्ट्रक्चर केवल मेडुसा के अंदर ही आप देख रहे हैं, पॉलिप के अंदर नहीं देख रहे हैं। इसके बाद है 16 टेंटिकल्स प्रेजेंट इन मेडुसा एंड 24 टेंटिकल्स प्रेजेंट इन पॉलिप, यानी मेडुसा के अंदर जो आप टेंटिकल्स ये देख रहे हैं यह 16 है, यानी कि केवल 16 है, यह कब है, इमेच्योर स्थिति में, यानी कि जब पूरी तरह से मेडुसा परिपक्व नहीं होता है, ऐसी स्थिति में केवल इसमें 16 टेंटिकल ही पाए जाते हैं, और उसी दशा में अगर आप पॉलिप के अंदर देखेंगे तो 24 टेंटिकल्स हैं, कितने हैं 24 टेंटिकल्स हैं। तो यह बात आप याद रखेंगे कि इमेच्योर कंडीशन में अगर आप मेडुसा के अंदर देखेंगे तो 16 टेंटिकल्स हैं और पॉलिप के अंदर देखेंगे तो 24 टेंटिकल्स हैं, ये भी आप याद रखेंगे। अगला है मेडुसा फ्री स्विमिंग एट मैच्योरिटी, मतलब जब मैच्योर हो जाता है तो मेडुसा फ्री स्विमिंग करता है। मैंने बताया था कि ब्लास्टो स्टाइल से टूट करके अलग हो जाता है और पानी में तैरने लगता है, तो मेडुसा क्या है, मैच्योर होने के बाद फ्री स्विमिंग है, पानी में तैरने लगता है, एंड पॉलिप अटैच्ड विथ कॉलोनी, पॉलिप जो है ऑलरेडी कॉलोनी से अटैच रहता है, यह कभी टूटकर अलग नहीं होता है और ना ही फ्री स्विमिंग, यानी कि ना ही पानी में यह तैरता है। अगला है मेडुसा हैव सेंसरी आर्गन स्टेटोसिस्ट बट पॉलिप डू नॉट हैव सेंसरी आर्गन, यानी कि जो मेडुसा है इसके पास सेंसरी आर्गन है स्टेटोसिस्ट, यहाँ पर देखिए दिखाया गया है स्टेटोसिस्ट, ये जो टेंटिकल है एड रेडियल टेंटिकल बोलते हैं, जो ये बना हुआ है इसको एड रेडियल टेंटिकल बोलते हैं, तो इस टेंटिकल के बेस में आप देखिए जो फूला हुआ है, ये जो ब्लू कलर से मैंने बनाया है, इस टेंटिकल के नीचे देखिए जो फूली हुई स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं स्टेटोसिस्ट, इसके अंदर स्टेटोसिस्ट होता है जिसकी वजह से यह फूला हुआ है, और यह एक सेंसरी आर्गन या फिर बैलेंसिंग आर्गन है, यह केवल मेडुसा के अंदर पाया जाता है, पॉलिप के अंदर यह स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती है, तो यह भी एक अंतर है, यह एक क्या है डिससिमिलारिटीज है, यानी कि डिफरेंस है। अगला है माउथ ऑफ पॉलिप इज राउंडेड, यानी कि पॉलिप का जो माउथ आप देख रहे हैं एकदम राउंडेड है, गोलाकार है, बट माउथ ऑफ मेडुसा इज रेक्टेंगुलर, लेकिन जो मेडुसा का ये माउथ आप देख रहे हैं यह रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर का मतलब आयताकार है, चौकोर है, लेकिन जो पॉलिप का माउथ आप देख रहे हैं यह राउंडेड है, तो यह भी एक अंतर है। और सबसे आखिरी में आप दिखा देंगे पॉलिप न्यूट्रिटिव ज्वाइंट्स मेडुसा रिप्रोडक्टिव ज्वाइंट्स, यानी कि जो पॉलिप होता है यह क्या है न्यूट्रिटिव ज्वाइंट्स है, यानी कि पूरी कॉलोनी को पोषण पहुंचाने का काम करता है, बाकी जो मेडुसा है यह रिप्रोडक्टिव ज्वाइंट्स है, यह रिप्रोडक्शन करने का काम करता है। तो दोस्तों इस प्रकार से पॉलिप और मेडुसा के बीच क्या समानताएँ थी, यानी कि सिमिलारिटीज थी, उसे आपने देख लिया, बाकी पॉलिप और मेडुसा के बीच क्या डिससिमिलारिटीज थी वो भी आपने देख लिया। तो एग्जाम में अगर केवल डिफरेंस पूछेगा, अधिकांशतः चांस रहता है कि पूछेगा
कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पॉलिप एंड मेडुसा, या फिर ऐसे पूछ सकता है गिव द डिफरेंस बिटवीन पॉलिप एंड मेडुसा, तो आप केवल यही दिखाइएगा। और अगर यह पूछ दिया कि कंपेरिजन करिए पॉलिप और मेडुसा के बीच, तो आप दोनों दिखाइएगा, बाकी समानता पूछने का तो चांस नहीं बनता है, या फिर अगर पूछेगा तो आप दिखा दीजिएगा, वो तो मैंने बता ही दिया है। बाकी दोस्तों आप क्लियर समझ गए कि दोनों के बीच कंपेरिजन कैसे किया जाता है, फिगर के हिसाब से आप समझ गए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।